डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी है जिसे स्थायी रूप से आप खत्म नहीं कर सकते हो या उसे खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे आप कंट्रोल करके काबू में रख सकते हो। इसके लिए आपको हेल्दी डाइट और स्वस्थ जीवन शैली अपनानी होगी। ये तभी संभव है जब आपका शुगर लेवल काबू में रहे, क्योंकि अधिक बढ़ा हुआ रक्त शर्करा का स्तर यानी कि ब्लड शुगर लेवल शरीर के कुछ अंगों जैसे कि आपकी आंखों, हार्ट, किडनी पर नकारात्मक असर डालता है। ऐसे में जरूरी है कि ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल में बनाए रखें। तो दोस्तों, घर बैठे ही कंट्रोल हो जाएगा आपका हाई ब्लड शुगर लेवल। बस आपको आसान से 5 टिप्स को अपनाना होगा अपनी डेली रूटीन में। अगर आप इन 5 टिप्स का नियमित तौर पर अपनाओगे दोस्तों, तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन्हीं 5 टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो आप दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। साथ ही साथ अगर आप हिमाचली हर्बल में नए हो तो हिमाचली हर्बल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। अब बात करते हैं कि ब्लड शुगर लेवल हाई क्यों हो जाता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि शरीर में इंसुलिन का निर्माण कम होने से शुगर लेवल हाई हो सकता है, या इसके साथ ही कई अन्य फैक्टर्स भी ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित करते हैं, जैसे कि लीवर का अधिक ग्लूकोज बनाना, या शरीर में इंसुलिन कम बनना, या शरीर इंसुलिन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इसके अलावा स्ट्रेस, अनहेल्दी खान पान या कुछ दवाओं का सेवन करते हो या फिजिकली कम एक्टिव हो, तभी रक्त शर्करा को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं कि आपको हाई ब्लड शुगर लेवल हो गया है तो उसके सामान्य लक्षण क्या है या नॉर्मल से लक्षण क्या है, जिससे आपको पता लगे कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ गया है, हाई हो गया है। अगर आपको अधिक प्यास लगती है या धुंधला दिखाई देता है, पेशाब अधिक लगता है, भूख अधिक लगती है या उल्टी महसूस होती है, या आपको थकान भी महसूस हो सकती है, वजन कम हो सकता है, या आपके बाल जरूरत से ज़्यादा झड़ रहे हैं, या आपकी नींद प्रभावित हो रही है, अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपको अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में है या हाई में चला गया है। अगर आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो हाई है तो उसको कैसे कंट्रोल में लाएं, उसके टिप्स क्या हैं? तो पहला टिप्स है, आपकी डाइट जो है वो हेल्दी होनी चाहिए। अगर आप ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में लाना चाहते हो, सबसे पहले आपको डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। आप डाइट में गेहूं की रोटी, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, दही, बीज या नट्स का सेवन कर सकते हो। दूसरा टिप्स है, एक्सरसाइज और व्यायाम करना बहुत ही जरूरी होता है। हाई ब्लड शुगर लेवल की समस्या से बचने के लिए आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, या आपको रोज एक वॉक पे जाना चाहिए, रोज आपको सैर करनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज के जो मरीज है वो सारा दिन एक ही जगह पर बैठे रहेंगे तो उनका शुगर लेवल हाई हो जाएगा, आप अपने शरीर की जो शुगर है उसको बर्न नहीं कर पाएंगे। तीसरा टिप्स है, नियमित तौर पर आपको अपने शुगर के लेवल की जांच करनी पड़ेगी। हेल्थ एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि यदि आपको डायबिटीज है तो शुगर लेवल की जांच नियमित रूप से करते रहें। साथ ही साथ आप ग्लाइसेमिक फूड्स खाएं, जैसे कि फलियां, ओट्स, बीन्स, लेटिन्स, बीज या स्टार्च रहित सब्जियां, शकरकंद आदि। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल में ला सकते हो। चौथा टिप्स है, वजन को कंट्रोल में रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो आपका वेट बढ़ना है, आपका वजन बढ़ना है, वो भी एक हाई ब्लड शुगर लेवल का एक सिम्टम हो सकता है, एक लक्षण हो सकता है। अगर आप हाई ब्लड शुगर लेवल की समस्या से बचना चाहते हो तो आपको अपने वजन को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। पांचवा टिप्स है, पर्याप्त नींद लेना। हाई ब्लड शुगर लेवल की समस्या से बचने के लिए प्रत्येक दिन आपको भरपूर मात्रा में नींद लेनी चाहिए। इसके साथ ही स्ट्रेस लेवल को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि तनाव भी शुगर लेवल का एक मुख्य कारण है, तनाव भी शुगर लेवल को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, ये है 5 टिप्स जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो अपने आप को फिट हेल्दी महसूस करोगे और साथ ही साथ आप अपने हाई लेवल शुगर को भी कंट्रोल में ला सकोगे। तो दोस्तों, अगर आप डायबिटीज से परेशान हो तो इन टिप्स को फॉलो करो। अगर आपको डायबिटीज नहीं भी है दोस्तों, तब भी आप इन
टिप्स को फॉलो करो, अपने वजन को कंट्रोल में करो, अपनी पर्याप्त मात्रा में नींद लो, साथ ही साथ अपनी इस बिजी रूटीन में थोड़ा सा समय अपने लिए निकालो, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, सैर करो या प्राणायाम भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा, कई गंभीर से गंभीर बीमारियों से बच जाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल एक ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।